उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के गौच में श्रीमती कृष्णा देवी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोटला रोड पर भारतीय किसान यूनियन भानु का सम्मान प्रवीण चौधरी व अचल सिंह चौधरी द्वारा किया गया, जिसमें गांव एवं शहर के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने जनता को संदेश दिया कि किसानों पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार से हमारी यही मांग है कि किसानों को सही समय पर मुआवजा दिया जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन संगठन आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। इस सम्मान समारोह में भारतीय किसान यूनियन संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से संवाददाता राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। राष्ट्रीय अध्यक्ष, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जन जागरण कर रहे हैं, क्यों कि किसान बहुत परेशान है। हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए, किसान आयोग में सभी किसान रहें, किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, सरकार नहीं करेगी अब, और किसान आयोग ही सारी देखभाल करेगा, सारी फल सब्जी जो भी हैं, जो किसान का अन्न है उसका सबका पालन, सबकी कीमत किसान लगाएगा लाभांश सहित, तब किसान को कुछ लाभ मिल पाएगा। और यदि किसान दुर्घटना में मरता है तो किसान को केंद्र सरकार को 1 करोड़ रुपया देना होगा। ये भारतीय किसान यूनियन भानु की मांग है। 10,000 रुपया पेंशन 60 साल पूरी करने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी जात, कोई भी बिरादरी का किसान हो, 60 साल पूरी कर ले, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है उसके